हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कीबोर्ड स्मैशर। आपकी खिदमत में हमजा फिर से हाजिर है। और मैंने सोचा कि अगली वीडियोस लगाने से पहले अपने इस कोर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये कोर्स मैंने स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन किया है। तो सुपारे पेपर सुपारे वालो पेपर आ मरी आ रहे हो मुझे आप मलाज खराब कर रहे हैं पंचतन जो आज दो यार। अच्छा, क्या आप लोगों का भी यही हाल होता है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ख़ासतौर पे प्रोग्रामिंग के पेपर से पहले? तो ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, बल्कि मैंने क्या डिज़ाइन किया है, इसकी आउटलाइन, इसका रोड मैप और अगली वीडियो क्या होनी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करेंगे, ये सब कुछ आपकी कंट्रोल में होगा। आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करेंगे, उससे मुझे पता लगेगा कि आप मज़ीद क्या चाहते हैं। जो मेरे माइंड में इस वक्त है वो ये है कि इस कोर्स को इतना इजी करके पेश किया जाए कि आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं कि वो किस तरह काम करती हैं। उसके अलावा मैं हेट करूँगा जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, क्लासिकल असाइनमेंट्स तो होंगी, उसके साथ साथ जो है ना आप अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स भी जो है वो मुझे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको प्रॉपरली सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं उनका जो है ना चीट शीट कह सकते हैं और सिंपल सॉल्यूशन है वो मैं आपको ज़रूर जो है ना प्रोवाइड करूँगा, और ना सिर्फ प्रोवाइड करूँगा बल्कि आपको समझाऊँगा भी, ताकि जब आप एग्ज़ामिनेशन रूम में जाएँ तो आपको पेपर देख के हंसी आए कि यार इतना आसान पेपर, ये तो हम कर लेंगे, इसमें तो हमारा चौका पक्का है। तो इंशाल्लाह ये जो सारा का सारा कोर्स होगा इसमें हम बहुत इंजॉय करेंगे, और कोर्स ऑफ आउटलाइन जो C++ A to Z, उसमें आपका सिंपल स्ट्रक्चर है, आपके लूप्स हैं, स्टेटमेंट है, ऑपरेटर्स हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम ऊप की तरफ आएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे, और फिर उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे और आगे जाके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक आधा प्रोजेक्ट भी बना दें और इस तरह करके कंप्लीट सीरीज लेके चलेंगे। और ये ख़ास तौर पे जो है ना, यकीन जाने कि जिस तरह मुझे परेशानी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, शुरू में जब मैं पढ़ा था C++ तो इतना ख़ास मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन जब समझ आना शुरू हुई फिर C++ के कॉन्सेप्ट को समझना आसान है, बस अच्छा टीचर चाहिए। तो जो है जब वो मुझे समझ आ गई, फिर उसी बेस के ऊपर हमने पाइथन भी की, हमने PHP भी की, और जितने भी जावा स्क्रिप्ट हैं और जावा भी है, तो ये सारी लैंग्वेज जो है ना इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें C++ के, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इनके ऊपर भी आपको कमांड हासिल करने में कोई मसला नहीं होगा। तो जो हजरात जो भाई मेरे पूछ रहे थे कि इसकी आउटलाइन क्या होगी और फ्यूचर में हमें किस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो मेरा फोकस जो है ना वो यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी की लाइफ को आसान करना, ना कि आसान करना बल्कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाना। शुक्रिया।